हाय कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 9th यूनिट 6। रेखाएं और कोण यानी लाइन और एंगल्स हम कर रहे हैं और बहुत ही देखा जाए तो बहुत आसान यूनिट भी, अगर आपने गहराई से समझा तो बहुत आसान भी है, और अगर आपने गहराई से नहीं समझा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल यूनिट भी पड़ता है, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 1st जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 1st से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से ना एंगल लाइन और एंगल से कंसर्न सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और क्या मुश्किलें पड़ता है, किस किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो जब हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है तो बेटा होता क्या है कि हमें पूरे सवाल को 3 भागों में बांटना होता है ना। पहला क्या होता है, इसको सॉल्यूशन में क्या होता है, दिया है लिखना होता है। क्या लिखना होता है? दिया है, ठीक है। दिया में क्या होता है बेटा कि जो आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वो सारा कुछ लगभग आपको सारा कुछ यहाँ पर उतारना होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो रेखा है ए बी और सी डी बिंदु और प्रतिच्छेद करती है ना। रेखा है, देखो इसमें रेखा है ए बी है ना, एक ये रहा ए बी और ये क्या है सी डी, ये सी डी जा रही है तो एक दूसरे को आप प्रतिच्छेद कर रहे बिंदु ऊपर है ना। रेखा है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है इस तरीके से। देखो मैंने क्वेश्चन से लिखा, आपको भी क्वेश्चन से लिखना होता है। तथा फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तथा ए ओ सी, आपके पास देखो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है आपके पास दिया हुआ है, और भी आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल दिया हुआ है क्या, बी ओ डी एंगल बी ओ डी आपके पास 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है जी। तो देखो बेटा ये जो दिया होता है ये इन सब चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होता है। अगर आपने कुछ चीज़ दिया हुआ है और आप उसे थ्योरम आप अपने सवाल को सॉल्व करने उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसका मतलब आप गलत तरीके से जा रहे हो, गलत तरीके से सवाल को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो कुछ भी दिया होता है उसका इस्तेमाल होता है। अब देखो कैसे इस्तेमाल करेंगे भैया, देखना है। तो दिया में क्या होता है बेटा कि हमें जो क्वेश्चन में दिया इन्फॉर्मेशन गिवन होता है वो लिखना होता है, फिर लिखना होता है यहाँ पे सिद्ध करना है। लेकिन अभी क्या सिद्ध नहीं करना, हमें कोई सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है, इसमें क्या है ज्ञात करने वाला सवाल है, तो आपको लिखना है ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन में ज्ञात करना आपको दो चीज़ें, फर्स्ट यानी एंगल बी ओ ई ज्ञात करना है आपको, और दूसरा ज्ञात करना है प्रतिवर्ती सी ओ ई, एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है, दो चीज़ें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और जब हमें ज्ञात करना होता है तो बेटा हमें फिर लिखना होता है यहाँ पे हल, क्या लिखना होता है हल। और अगर यहाँ मुझे लिखना होता सिद्ध करना है तो मुझे यहाँ लिखता है मैं प्रमाण, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो पूरा सवाल है लगभग देखो 1, 2 और 3 वैसे 4 भागों में बटता है ये, है ना। एक रचना का भी फंडामेंटल आता है जब हमें जहाँ पे हम रचना करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सवाल में रचना करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका जो पूरा सवाल है वो देखो यहाँ पर 3 भागों में बट गया। एक तो आपके पास दिया है एक हिस्सा ये रहा, एक आपका ज्ञात करना है एक हिस्सा ये रहा, और एक ये आपका हल वाला हिस्सा, 3 हिस्सों में आपके पास। तो जो दिया होता है उसको क्वेश्चन से लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, ज्ञात करना है वो मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन। और देखो अब कैसे ज्ञात करना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी आपके पास देखो यहाँ पर ए ओ सी, आपको मैं अगर मैं बताऊँ, देखो ये ए ओ सी है, ए सी ए ओ सी यानी ये कोण, और प्लस में बी ओ ई यानी ये वाला कोण देखो ये वाला है ना, ये कोण मिलाकर दोनों मिलाकर कितना 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। और आपको सी ओ ई 70 डिग्री है तो पहले आप क्या करेंगे, फिर सी ओ ई याद कर लेंगे। और वैसे जो ज्ञात करना है आपको इस क्वेश्चन में, आपको याद करना बी ओ ई यानी बी ओ ई अलग से आपको ये बताना, देखो इन दोनों को मिलाकर 70 डिग्री है, लेकिन आपको अलग से बताना है कि ये जो बी ओ ई है वो फाइनल कितने डिग्री का कोण है, आपको ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर जब ये ज्ञात हो जाएगा तो सी ओ ई यानी सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती कोण भी याद करना है आपको, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे शुरू ऐसे करेंगे हम यहाँ पर कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ए ओ बी एक सरल रेखा है, और सरल रेखा जहाँ पे सरल रेखा होती है वहाँ पर क्या होता है, लीनियर पेयर का हम एडवांटेज लेते हैं, ठीक है ना। तो लीनियर पेयर के लिए हम क्या करेंगे, देखो तीनों यहाँ और 3 कोण ऊपर बन रहा है, तो ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई, ये तीनों कोणों का एंगल जोड़ा और लिखा मैंने 180, और ये तीनों एंगल क्या है इसको कहते हैं लीनियर पेयर, एल आई एन ई आर लीनियर, और ये हो गया आपके पास पेयर,
उसको शॉर्टकट में एलपी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलपी बोला जाता है, ध्यान रखना है। तो ये देखो, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा जितने भी कोण बनता है वो सब क्या होता है? लीनियर पेयर कहलाता है। यानी ये कोण भी आपका कुल मिला के, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 180 डिग्री का कोण बन रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो आप, मैंने यहाँ लिख दिया, और देखो आपके पास अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर जो दिया है, यानी ए ओ सी और बी ओ ई, यानी ए ओ सी और बी ओ ये दोनों मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या है, क्वेश्चन में 70 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ से एलिमिनेट किया और यहाँ लिख दिया 70 डिग्री। चासी में 70 डिग्री एलिमिनेट किया, तो यानी ए ओ सी और बी ओ ई चला गया, क्योंकि इन दोनों का योग, यानी ए ओ सी प्लस में बी ओ ई, देखो दिया में ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिखा है इसको दिया में, ठीक है ना। तो 70 डिग्री यहाँ मैंने जैसे लिखा तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा और मैं सी ओ ई, ठीक है जी। अच्छा, सी ओ ई आपके पास क्या है, 180 डिग्री है। अब एंगल सी ओ ई आपके पास 180 माइनस में क्या आ गया, 70। तो सी ओ ई आपके पास आ गया बेटा, आपके पास 110 डिग्री। क्या आ गया? 110 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे सी ओ ई याद करता है, उसका प्रतिवर्ती याद करना था आपको, तो यहाँ पे प्रतिवर्ती सी ओ ई निकल के आ गया, तो प्रतिवर्ती अब सी ओ ई भी निकाल सकते हो, यहीं पे निकाल लेते हम। अतः प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, सी ओ ई कैसे प्रतिवर्ती कैसे होता है आपको मैंने सिखाया था। देखो, अगर आपने इस सवाल से पहले, अगर मैं जो इससे पहले एक वीडियो बनाया बेसिक फंडामेंटल, जो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सारी बातें मैंने उसमें बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, ठीक है ना। और प्रतिवर्ती कैसे निकाला जाता है? प्रतिवर्ती निकाला जाता है, आप जिस कोण का प्रतिवर्ती निकाल रहे हैं उसको 360 डिग्री में से क्या होता है, कम करना होता है। सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकाले 360 में, सी ओ ई का कोण कितना, 110, उसे घटाना है। तो ये आ गया आपके पास 250 डिग्री, 0 0 गया तो 200 क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर, ये जो दूसरा पार्ट था इसका फाइनल आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, बी ओ ई याद करना है, बी ओ ई। तो बहुत सिंपल, बी ओ ई याद करने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सी ओ डी एक सरल रेखा है, सी ओ डी एक सरल रेखा है, ठीक है। और जहाँ पे सरल रेखा होते बेटा, वहाँ पे कौन सा कोण लगता है, यस वहाँ पर लगा जाता है हमारे पास लीनियर पेयर, है ना, जिसको हम एलपी बोलते हैं। तो ये अगर सरल रेखा हो जाएगा सी ओ डी, तो मैं यहाँ पे देखो एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, और ये तीनों कोण मिलकर क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो मैं लिखता हूँ सी ओ ई एंगल सी ओ ई प्लस में एंगल बी ओ ई, जो कि आपको ज्ञात करना है, ये आपको मालूम नहीं है, और बी ओ डी यानी एंगल बी ओ डी, है ना। देखो बी ओ डी क्वेश्चन में आपके पास, देखो अगर आप ध्यान दो तो बी ओ डी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ना क्वेश्चन में आपके पास बी ओ डी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री पहले से ही मालूम है हमें, ठीक है ना। और अभी क्या है कि हमने यहाँ पर सी ओ ई निकाल कर 110 डिग्री हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके, 110 डिग्री यहाँ पर निकाल चुके हैं। और एक्चुअल में हमें बी ओ ई याद करना है, और बी ओ ई हमारे पास मिसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो तीनों कोणों का नाम लिखते हैं सरल रेखा, तो सी ओ ई प्लस में बी ओ ई प्लस में बी ओ डी कितना होगा, 180 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। और सी ओ ई का मान 110 डिग्री आ गया है। अच्छा, बी ओ ई आपको ज्ञात करना है और बी ओ डी आपके पास 40 डिग्री है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 110 प्लस में 40 कितना हो गया, 150 हो गया। और एंगल बी ओ ई 180 डिग्री, यानी एंगल बी ओ ई क्या हो गया बेटा, 180 माइनस में 150, वॉट विल हैपन, 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो बी ओ ई आपके पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, और जो कि आपको यही याद करा था। देखो बी ओ ई याद करना, प्रतिवर्ती सी हो, तो आपके पास एक आंसर प्रतिवर्ती सी हो, तो 250 यहाँ चुका, और बी ओ ई याद करना था, 30 डिग्री आपके पास यहाँ पे आ चुका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने ये वीडियो, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो, अगर वो नहीं देखा, जो मैंने जहाँ पे बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे तरीके समझाया हुआ है, तो उसको आप जरूर देख लें। उसको जैसे ही आप देखेंगे, उसे अगर नोट्स बनाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और जिन्होंने वो वीडियो देखा है, तो डेफिनेटली उसको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, यस अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को क्या मिल पाए, हेल्प मिल पाए, ठीक है ना। और अगर आप चैनल के साथ नए हो, इस चैनल यानी ये चैनल क्या, मैथ्स ऑन टिप्स बाय राजकुमार सर, अगर आप चैनल के साथ नए हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मिलता रहे आपको एनसीईआरटी के 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे सवाल, आपको इस चैनल पर डाले जाएंगे, ताकि आप चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे, तो आपको इन सवालों को देखने और समझने का आपको मौका और फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।